45 degrees. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी सुबह के बज रहे 12 और मैं ये कंपोस्ट में कुछ एडिशंस करने आई हूँ। ये ज़ेड सिक्योरिटी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और बंदरों को जो मिलता है उन्हें उसे तोड़ना बहुत पसंद है। लाइक दिस मेरा वाटरिंग कैन और ये सारे पॉट्स जो सब ख़राब कर देते बंदर, बट कोई बात नहीं। ये है ब्रिक नंबर K52। ब्रिक नंबर वाओ, इवन आफ्टर दैट एनकाउंटर ब्रेक एकदम सही जगह रखी है मैंने। ऑल्सो इस पर कोई स्टेप करने से कभी स्लिप हुआ है क्या, मतलब रियल लाइफ में? कोई बात नहीं, छिप ली तो थी। हाँ, बेचारी मुझसे डर रही होगी। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा बट बनाना पीली को कंपोस्ट डालकर जो विश करते हैं वो पूरी हो जाती है, और मेरी विश ये है कि मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स आए। वैक्सीन बुक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट अगर अब भी वैक्सीन बुक नहीं हुई तो जहाँ से हम आए तरा काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, हमें पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ पर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर व्यू बिल्कुल अच्छा नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है फैन के लिए। हो गया था। यहाँ पर वैक्सीनेशन बूथ यहीं पर है, मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब यहीं पर है जहाँ पर हम बैठे साइड। अच्छा है सर, और यहाँ पर कोई भी नहीं। भैया 434 आ गया, C15। मैं तो बीच में खड़े हूँ, बैठ जाए रिक्वेस्ट सर, दोनों खड़े हैं। ये बेलिंगहम रजिस्ट्रेशन बूथ है, यहाँ पे पेमेंट के बाद विल गो स्ट्रेट फॉर वैक्सीनेशन। एक बूथ से निकल कर ओ सब मेरे ब्लॉग्स में आना चाहते हैं क्या? अब हमें हाफ एन आवर यहीं पर रहना होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या वो देखने होंगे। और वहाँ, मतलब यहाँ है फूड। टू गिव अ रीकैप, हम बहुत स्टार्टिंग से आए थे, वहाँ था पेमेंट के लिए वेटिंग एरिया, और ये 1, 2, 3, 4 वैक्सीनेशन बूथ्स हैं, और ये है ऑब्जर्वेशन एरिया जहाँ हमें हाफ एन आवर वेट करना है। फाइनली वी आर फ्री टू गो। ओ वाओ, यहाँ पर ट्रेन जैसा रेस्टोरेंट है, यही होगी मेरी बर्थडे पार्टी। हमारे यहाँ ऐसे ही स्पीड ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। लाइव इंडिया गेट देखने वाले आप हम। आगे से तो सबने देखा है इंडिया गेट, तो हम पीछे से कैसे दिखते हैं वो दिखा रहे हैं। एंड वी आर बैक होम।